नमस्कार, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज हम सिटी कोतवाली थाने परिसर में खड़े हैं और या आज का दिन जो है कि बड़ा ही हर्षोल्लास का दिन है कि क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में आज तीज पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसमें जी जितने भी बहनें हैं, महिलाएँ हैं, वो सभी आज उपवास रखे हैं अपने पति के लिए। और क्या क्या विषय, क्योंकि आज सिटी कोतवाली में भी इस तरह का आयोजन है और कुछ सम्मानीय कार्यक्रम है। यहाँ के टीम से हम बात करते हैं। सर, नाम बताएंगे अपना? समीर शुक्ला, प्रधानाक्षर जी। आज यहाँ कुछ कुछ कार्यक्रम है, क्या विषय है, क्या बातें हैं, बताएंगे? आज छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार तीज है, जिसमें महिलाएं अपने पति के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हमारे थाने में भी महिला स्टाफ हैं जिन्होंने निर्जला उपवास रखा हुआ है कि निर्जला उपवास रहते भी वह अपने कर्तव्य पर उपस्थित हैं। इसलिए हमारे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय ने सोचा कि उन्हें अपने घर परिवार की कमी महसूस न हो, इस बात को ध्यान रखते हुए थाना प्रभारी महोदय एवं स्टाफ के द्वारा उनको साड़ी, सिंगार और मिठाई देकर सम्मानित किया गया है और उन्हें आज के लिए अवकाश दिया गया है ताकि वो अपना त्यौहार मना सकें। तीज त्यौहार का पर्व है और पुलिस स्टाफ के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी लोगों से कहना चाहूँगा, तीज त्यौहार शांति और शांति का त्यौहार है और खुशी का त्यौहार है। सबसे मना कहूँगा कि शांति से मनाएं, बढ़िया खुशी से मनाएं, आपस में एकजुट होकर मनाएं, बस यही कहना चाहूँगा। तो आज यहाँ पर सिटी कोतवाली परिसर में जो है कि आज अपनी जो बहनों की कमी और भाइयों की कमी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज सिटी कोतवाली में तीज पर्व का सम्मान समारोह का आयोजन किया। कैसे क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व में एक तीजा त्यौहार है जिसमें महिलाओं के लिए विशेषकर ये मनाया जाता है। आज सिटी कोतवाली थाने के महिला स्टाफ यहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया और इनको गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया है। हम सभी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे थाना प्रभारी सर श्री यदुमणि सिदार सर, जो कि हमारे हमें इतने सम्मानित कर रहे हैं, हमें साड़ी प्रदान किए हैं, श्रृंगार का सामान प्रदान किए हैं, हमें अभी किसी भी प्रकार की अपने भाई या अपने पिता का कमी महसूस नहीं हो रहा है। वह सभी कमी वह पूरी करते हुए हम सभी को यहाँ पे उपस्थित करा के कर्तव्य में हम लोग अभी उपस्थित हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर परिवार में उपस्थित होकर तीज त्यौहार मना रहे हैं। धन्यवाद प्याई सर और धन्यवाद स्टाफ, सभी समस्त स्टाफ को धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति साहू है। सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है, क्या है जानकारी? आज तीज त्यौहार में हमारे थाना प्रभारी श्री यदुमणि सिदार सर द्वारा हम सभी महिला स्टाफों को तीज त्यौहार में साड़ी, सिंगार का सामान एवं मिठाई दे के हमें सम्मानित किया गया। ये पहली बार हुआ है और हमें बहुत खुशी है, गर्व महसूस कर रहे हैं। कैसे मनाएंगे आप लोग त्यौहार, किस टाइप से मनाएंगे? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थाने में इस तरह का ये पहली बार हुआ है हमारे साथ। सम्मान समारोह का आयोजन किया, कैसे क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व में एक तीजा त्यौहार है जिसमें महिलाओं के लिए विशेषकर ये मनाया जाता है। आज सिटी कोतवाली थाने के महिला स्टाफ यहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया और इनको गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया है। हम सभी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे थाना प्रभारी सर श्री यदुमणि सिदार सर, जो कि हमारे हमें इतने सम्मानित कर रहे हैं, हमें साड़ी प्रदान किए हैं, श्रृंगार का सामान प्रदान किए हैं, हमें अभी किसी भी प्रकार की अपने भाई या अपने पिता का कमी महसूस नहीं हो रहा है। वह सभी कमी वह पूरी करते हुए हम सभी को यहाँ पे उपस्थित करा के कर्तव्य में हम लोग अभी उपस्थित हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर परिवार में उपस्थित होकर तीज त्यौहार मना रहे हैं। धन्यवाद प्याई सर और धन्यवाद स्टाफ, सभी समस्त स्टाफ को धन्यवाद। मेरा नाम स्वाति साहू है। सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है, क्या है जानकारी? आज तीज त्यौहार में हमारे थाना प्रभारी श्री यदुमणि सिदार सर द्वारा हम सभी महिला स्टाफों को तीज त्यौहार में साड़ी, सिंगार का सामान एवं मिठाई दे के हमें सम्मानित किया गया। ये पहली बार हुआ है और हमें बहुत खुशी है, गर्व महसूस कर रहे हैं। कैसे मनाएंगे आप लोग त्यौहार, किस टाइप से मनाएंगे?
अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। थाने में इस तरह का ये पहली बार हुआ है हमारे साथ।